उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती हमेशा एक नए नए पायदान पर होकर गुजर रही है और आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर हर अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि अब 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में क्या होना है। जी हाँ, मैं दुर्गेश जायसवाल जनपद जौनपुर से 69 हज़ार में चयनित एक अभ्यर्थी भी हूँ और आपके साथ सहायक अध्यापक पद पर काम भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे 69 हज़ार में चयनित अध्यापक होंगे जो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि अब 69 हज़ार में चयन सूची किस आधार पर बनेगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी का भी एक बयान आया है, उसके बाद बेसी सचिव का भी बयान आया है और विजय किरण सर का भी एक बयान आया है। मतलब अब लोगों के मन में आ रहा है कि आशंका, सर अब क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कोई OBC, SC, शिक्षा मित्र, जनरल, सभी कैटेगरी के लोग परेशान हैं और फेसबुक पे तो अलग ही राग चल रहा है, अलग ही शौक चल रहा है और व्हाट्सएप पे तो अलग PhD हो रही है। मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग तरह से अलग अलग खबरें, भ्रामक खबरें भी तैर रही हैं, कभी जनरल कैटेगरी की तरफ से, कभी OBC कैटेगरी की तरफ से, कभी SC कैटेगरी की तरफ से, कभी दोनों मिलकर कोई 6800 को भी कह रहा है कि 6800 वजह की वालों की वजह से 69 हज़ार खतरे में, कोई कह रहा 69 हज़ार वालों की वजह से 6800 खतरे में है, तो तीसरी लिस्ट खतरे में है। ऐसे तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं और तमाम तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो अंत में ये सब जानना चाहते हैं कि सर वास्तव में हो क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी को अपने विद्यालय में पठन पाठन काम जिस हिसाब से कर रहे थे जारी रखना चाहिए और उत्तर प्रदेश को एक निपुण प्रदेश बनाना है, अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है, अपने नए पंचायत को निपुण बनाना है, अपने ब्लॉक को निपुण बनाना है, अपना जिला निपुण बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है और अपने बच्चों को निपुण बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अभी एक छोटा सा बयान आया है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर नई चयन सूची बनती है, अगर फिर से अगर सूची में छेड़छाड़ की जाती है, सूची को फिर से बनाई जाती है, तो 50% और 50%, मतलब मेरी बात समझिएगा कि 50% आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है, नुकसान का झेलना पड़ सकता है। इसलिए कई मामले सामने आ रहे हैं कि क्या सरकार डबल बेंच जाएगी। अगर सरकार डबल बेंच जाएगी डिफेंड करने के लिए जो 6800 के भर्ती वो भी जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी मांग जायज रख रहे हैं, क्योंकि लिस्ट मानी सरकार की तरफ से जारी की गई, उनके तरफ से स्वीकार भी किया गया है कि इन पदों पर इन्हें नियुक्ति देना है 6800 पदों पर। तो इसलिए यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। कुछ जगह आपने भी देखा होगा कि जो हमारे बेसिक के अधिकारीगण हैं उन्होंने भी अपने विधिक राय भी लिया है। विधिक राय लेने के बाद कई बार माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उस ऑर्डर को कई बार पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर को पढ़ने के बाद ये जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 50-50 मतलब 50-50 का नुकसान होना, और 50-50 नुकसान में किनका नुकसान हो सकता है, जो बॉर्डर लाइन के पास में और बॉर्डर लाइन के पास में, मतलब जो बॉर्डर लाइन के पास में थे उनको खासा दिक्कत मिल सकती है। जैसे कई बार कहा जा रहा है कि जैसे जिनके टेट 90+ थे और वो जो सुपर टेट में जिनके कम मार्क्स थे उनका क्या होगा, या जिनके टेट में कम थे, सुपर टेट में अच्छे मार्क्स थे, मतलब 97 से ज़्यादा थे, तो यहाँ पर लेकर गुणांक से वो ऊपर नीचे चल गए हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक गुणांक और जो उनकी 69 हज़ार की गुणांक थी, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो विज्ञापन था, जिस विज्ञापन पे नियुक्ति मिली, फिर से जो कड़ी है हमारी इस सोचने की, वापस फिर से विज्ञापन पे आ जाएगी, क्योंकि जो मूल विज्ञापन, जो मूल जियो होता है, पूरी भर्ती उसी पर हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिस नियमावली पर, जिस भर्ती प्रक्रिया को करने की हरी झंडी दी गई, 60-65 पे करने की हरी झंडी दी गई थी, उसी के आधार पर हुआ था। तो पूरा जो आरक्षण का जो मामला आ रहा है, जो ये विवाद जन्म ले रहा है, इस विवाद का खत्म भी उसी विज्ञापन से होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मूल विज्ञापन को भी रद्द करके नए विज्ञापन की बात की जाए, ऐसा भी ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो पाया है, ना हाई कोर्ट से ऐसा हुआ, ना इसके पहले भी जितने भी सुनवाई हुई है जो 69 हज़ार भर्ती की आधारशिला कटाप को लेकर, वहां पर कभी मूल जियो को रद्द करने की बात नहीं आई कि मूल जियो को रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कई बार मांगा गया कि भैया बाद में कटाप कैसे चयन हुआ है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 पे अभ्यर्थियों को, जो योग्य अभ्यर्थी है, उन्हें विद्यालय बंटन करने की बात की थी। विद्यालय बंटन करने में भी कई बार हुआ कि जिनके ज्यादा मेरिट थे उन्हें रोस्टर लगा, जैसे हम सबको रोस्टर लगा, 31 हज़ार बैच को भी 37 हज़ार बैच आती है, उन्हें विद्यालय चूज करने का मौका मिलता है। तो फिर यह कहा जाता है कि भैया जिनके हाई मेरिट थे उन्हें भी विद्यालय चूज करने का मौका मिलता था। यह मामला भी न्यायालय में लंबित है और कई तरह से अलग अलग लोग याचियों के माध्यम से याची भी बन रहे थे। इसमें क्या होगा अभी आगे की कड़ी इसमें देखना है। फिर BTC बीएड को लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट, जिसका ऑर्डर रिजर्व है, वो भी ऑर्डर सुनवाई जा सकती है, उससे भी 69 हज़ार प्रभावित होगा कि नहीं, ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहा। लेकिन ओवरऑल अभी जो आरक्षण का विवाद
दिन, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि माननीय सरकार आप सबके हित के लिए सोच रही है, आप सभी के को डिफेंड करेगी माननीय सरकार, इसलिए बहुत सारे किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज तैर रहे हैं, उनको तैरने दीजिए उसी बहाव के साथ, खुद पर ध्यान रखिएगा, घबराइए नहींगा, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखिएगा, अपने सरकार पर भरोसा रखिएगा, अपने न्यायपालिका का भरोसा रखिएगा, सभी के साथ न्याय होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर और सर सूची रद्द हो गई क्या, मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए आप लोग इस बात पर एकदम चिंतित न रहें, क्योंकि आपकी लिस्ट रद्द करने के साथ साथ फिर से लिस्ट बनाने की बात की जाएगी। अगर विसंगतियां थी और आप उस विसंगतियां में आपको लेने के बाद विसंगतियां खत्म हो जाती तो फिर से आप नई सूची में नए लिस्ट में आ जाएंगे, इसलिए एकदम घबराना नहीं है। कुछ लोग इस बात को लेकर घबरा रहे हैं सर कि जैसे मान लीजिए अगर नई सूची बनती है और 68 सूची रद्द हो गई है, सर मेरा क्या होगा, मैं तो चंद सूची में था, मेरा क्या, मैं शिक्षक नहीं बन पाऊंगा। देखिए उसके लिए भी ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी, क्योंकि जब नई सूची बनेगी तो उस सूची के आधार पर आपके अंदर विसंगतियां आई थी। बस एक सवाल ही आ रहा है कि जब 6800 को 69000 में ही भर्ती करनी है तो जिनमें विसंगतियां हुई थी क्या उनको बाहर किया जाएगा, क्या वो सहायक अध्यापक पद पर रहेंगे कि नहीं, ऐसा तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे सपोर्टर कई तरह के एग्जांपल भी चल रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का विशेष कोई ओबीसी श्रेणी का है और वो उसके ट्रेड भी जनरल में है, सुपर ट्रेड भी जनरल में है और वो ओवरलैप करके जाएगा तो किस श्रेणी में जाएगा, कि अपने ही कैटेगरी में रह जाएगा, तो ये कहा जा रहा है 50% में कि केवल जनरल कोटा में जो जनरल भरे वही जाएंगे। तो बेसिक चैनी मॉली जो विज्ञप्ति उसमें ये इसका वर्णन इसमें क्या है, ओवरलैप करके जा सकते हैं, जब ओवरलैप करके जाएंगे तो वहाँ पर जो सीट रिक्त होगी उस सीट पर ओबीसी के अभ्यर्थी एससी है तो एससी के अभ्यर्थी आएंगे। इस तरह से ये होता है, क्योंकि जो बेसिक चैनी मॉली है जिस पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है तो उस पर अगर हम बात करें तो उस हिसाब से उस निमौली के आधार पर फिर से आरक्षण को लेकर जो आरक्षण की बात कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं विसंगतियां नजर आ रही है, उस पर ही प्रहार किया जाएगा, उस पर ही ध्यान से दिया जाएगा, उस पर ही मेरिट बनेगी। तो उस पर जो मेरिट बनेगी तो यहाँ पर अभी तक जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वो दोनों को नुकसान दिख रहा है, सामान्य वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को, इनको भी थोड़ा थोड़ा नुकसान मिलेगा, झेलने को मिल सकता है। और अंत में 68 सूची क्या होगी वो अभी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अब, क्योंकि अभी 3 महीने का समय माननीय न्यायपालिका द्वारा मिला था और उस के बीच में भी अगर सरकार चाहे या अभ्यर्थी चाहे या जो भी पक्ष चाहे वो डबल बेंच जा सकती है, उसके बाद फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब ये सोचने वाली बात है कि क्या मामला यहीं समाप्त होगा, क्या ये अभी और डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि जो भर्ती थी या सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुई है, इसलिए कुछ चीज़ों को लोग बार बार कह रहे हैं सर 69000 रद्द हो जाएगी, तो रद्द नहीं होगी, एकदम ध्यान से रखेगा, क्योंकि यह 69 शिक्षक भर्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुआ है। एक लंबी लड़ाई, एक लंबे इंतजार, धैर्य रखने के बाद 69000 परिवारों के घर में खुशी की लहर आई थी। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं 67000 का जो परिवार तक सुरक्षित है, 31 और 37, फिर बाद में जो हुआ तीसरी लिस्ट आई है, फिर इसमें कह रहे सर एक नंबर जिनके याची लाभ मिला था तो याची लाभ को लेकर भी लोग परेशान, सर याची लाभ जिनको मिला क्या उनको भी जल्द ही नियुक्ति मिलेगी? जी हाँ, उनको भी नियुक्ति के लिए भी सरकार की कोटा कंटेंट की बार बार बात की जा रही है, तो वहाँ पर भी आ रहा है। और फिर नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही है कि सर क्या नई शिक्षक भर्ती भी का कोई प्लान है, क्योंकि बार बार 69000, जब तक 69000 शिक्षक भर्ती का अध्याय खत्म नहीं होगा, और BTC BEd का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिस पर आर्डर पूरी तरह से रिजर्व हो गया है, जब तक उस पर आर्डर, उस पर फैसला नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को नहीं सोचा जा सकता, ये पूरी तरह से सत्य है। बार बार जैसे एक ट्विटर का मैसेज लोग दिखा रहे हैं कि शेयर हो रहा है बार बार कि सर क्या ये ट्विटर का मैसेज जिसमें नई शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है, नई यूपी टेट की बात कही जा रही है, तो यहाँ कहाँ तक सत्य है? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक BEd BTC का जो विवाद है जब तक खत्म नहीं होता तब तक नई टेट और नई शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आएगी। और माननीय मंत्री जी ने भी बात साफ स्पष्ट कहा कि देखिए हमारे पास पद रिक्त है लेकिन अभी टीचरों की भर्ती करने का कोई प्लान नहीं है, उन्होंने एकदम साफ, क्योंकि हमारे अनुपात समानुपात बराबर है। और कारण इसका ये है कि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 51000 पद हैं, रिक्त पद हैं, तो पद रिक्त है लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक भर्तियां नहीं आ पाएंगी। आप इस बात को समझिए, क्योंकि अभी फिर से विवाद होगा, फिर से न्यायपालिका के चरण, मतलब न्यायपालिका में एक लंबी प्रक्रिया चलनी पड़ेगी, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के अटकलें भी लगाए जा रही हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें और हो सकता है कि सरकार भी डबल बेंच पे जाए, हो सकता है अभ्यर्थी भी डबल बेंच पे जाए, अब देखना यह है कि क्या होता है वास्तव में, अंत में क्या होगा। लेकिन आप सब सुरक्षित हैं और हमें अपनी न्यायपालिका पर, अपनी सरकार पर और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने इष्टदेव पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अभी से डर के मर जाना ये गलत बात है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, सुबह उठिए और अब विद्यालय पर जाइए, परीक्षाएं भी 20 तारीख से होने जा रही हैं, परीक्षाओं को संपन्न कराइए और नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश करें। और उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन बच्चों
को नवोदय विद्यालय में या अन्य विद्यालय में जाने का मौका मिल रहा है, सभी छोटे नौनिहालों को जो कक्षा एक में आंगनबाड़ी से प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल की तरफ आएंगे उनका स्वागत होगा उत्तर प्रदेश के बेसिक के उन विद्यालयों में। और हम इस बार चाहेंगे हम सभी 69,000 जहाँ भी हैं वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराएं ताकि सीट जो बच्चे हैं उनके नामांकन इतना ज़्यादा हो, नामांकन ज़्यादा होने से नए भर्ती की जो राह है वो पूरी तरह से खत्म होगी और नए शिक्षक भर्ती के लिए जो आसार लगाए जा रहे हैं, जो हमारे पीछे के और हमारे साथी मित्र हैं जो अभी तक इस बात को लेकर परेशान थे सर भर्ती नहीं, और उनके भी इस प्रश्न पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाए। त्रिलोकी जी हमारे साथ हैं और आप स्वागत है त्रिलोकी जी, और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाते रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि चीज़ों को सही चीज़ों को जाने, सही चीज़ों को समझे और क्या चल रहा है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अभी बीएड का ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया है, वैसे बीएड बीटीसी का मामला चल रहा है अभी, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति हुई निमौल वो बेसिक्षा निमौली 1993 के दिन पर हुई है, और इस आधार पर चाहे आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे ब्रिज कोर्स का मामला रहा हो, चाहे कटाव का मामला रहा हो, गुड़ांग का मामला रहा हो, इसमें बहुत सारे जो आपको विसंगतियां देखने को मिल रही है, नई चयन सूची के आधार पर ही तय होंगे, लेकिन नई चयन सूची बनने पर दोनों पक्षों को 50-50 जो रिजर्वेशन है 50% 50%, इन दोनों को नुकसान प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो दोनों को नुकसान दिख रहा है, इसलिए यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो 68,000 के अभ्यर्थी हों, चाहे 69,000 के अभ्यर्थी हों, सभी एकता बनाए रखें, सब एकजुट रहें, और अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, इसलिए धैर्य रखिए, और हमेशा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, तो आप लोग धैर्य रखिएगा, सभी लोग अपने आप पर धैर्य रखिएगा, जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, हम न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पक्ष असंतुष्ट है वो डबल बेंच जा सकता है, डबल बेंच भी अगर असंतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारी न्यायपालिका की जो क्रम है उस क्रम को भी फॉलोअप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं का तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद, अगर कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, ये वीडियो इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर आप हमें लाइव देख रहे थे, और हमने एकदम फैक्ट चीज़ें आपको बताई, जो चीज़ें चल रही जो चीज़ें वास्तव में हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे, लोगों का हमें कहना, यदि हमें सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ध्यान रखिएगा, नामांकन बढ़ाना है, इस नए शैक्षिक सत्र में आप सभी को 69,000 पूरे परिवार को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेहनत करने, जिन जिन जनपदों से आप हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अपना आने के बाद जो बेसिक शिक्षा विभाग एक बड़ा बदलाव होगा, आपने देखा होगा 68,569,000 बहुत सारी भर्तियां हुई, लगातार बदलाव देखने को मिलेगी, जो सबसे बड़ी बदलाव देखने को मिल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती जब से उत्तर प्रदेश में हुई है, 68,500 जब से आई है तब से आप देख रहे हैं, सुपर टेट परीक्षा होने के बाद ऑनलाइन का क्रेज बढ़ रहा है, और उसमें कोविड के बाद ऑनलाइन में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, मतलब ऑनलाइन की तरफ अग्रसर भी हो गए, और आज बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा के विद्यालय अलग पहचान बना के रखे हैं, वो आप सबकी देन है, और आप सबकी वजह से, आप सभी के साथ की वजह से, पूरा बेसिक शिक्षा परिवार की वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि हम 69,500 की बात करें, पूरे बेसिक शिक्षा परिवार की बात करें, सभी की मेहनत का प्रतिफल है, और विजय कैलन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको जिनकी जो दूरदृष्टि पॉलिसी उसका ही सकारात्मक परिवार जो परिणाम है वो हमारे विद्यालयों तक देखने को मिल रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में विवाद होगा, और बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल गया होगा, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें, देखिए एक दायरा होता है हर बात को कहने का, और राइट टू प्राइवेसी भी होती है, आप तो भी जानते हैं, तो उसको दायरे में रखकर हम अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है मैं आप सभी के लिए सामने आता हूं, और कोशिश करता हूं आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने की वजह से उसका दायरा होता है, उस दायरे में रहकर हमें अपनी बातें रखनी होती है, तो मैं कोशिश करता हूं मैं उस दायरे में हमेशा बना रहा हूं, और आपकी मदद भी करता रहूं, और आपके प्रश्नों के जवाब भी देता रहूं। अब कोई अगर आपके व्यक्तिगत प्रश्न है इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, वैसे अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब ध्यान रखेंगे और अपना बेहतर अपना बेस्ट देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू आप सभी का, शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, घबराइएगा नहीं, अपने सिद्धियों पर भरोसा रखिएगा, खुद पर भरोसा रखिएगा, आप बेहतर और बड़ा करेंगे। हाँ आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, लगातार मेहनत करते रहिए, जो पीसीएस के आवेदन करिए, और भगवान करे कि आप शिक्षक के साथ साथ अधिकारी पद भी बने, तो इस बार पीसीएस में आप आवेदन जरूर करिएगा, कौन कौन आवेदन करना है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि हम आपके लिए भी जीएससी सीरीज लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, प्रतिदिन रात 9 बजे तो आप हमारे साथ जीएससी सीरीज पढ़ सकते हैं, यूपी स्पेशल, क्योंकि अब दो ऑप्शनल पेपर, जो ऑप्शनल पेपर था फर्स्ट एक जिसके दो पेपर होते उनको हटाकर अब यूपी स्पेशल कर दिया गया, तो यूपी स्पेशल की सीरीज हमने शुरू कर दिया, अभी फिलहाल हम एमसीक्यू पे काम करें, फिर आगे हम थ्योरी पर भी काम करेंगे आपके साथ मिलकर, ताकि आप भी अपने परिवार अपने समाज के साथ साथ अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आवेदन कर लीजिए, समय कम है, अब साइड भी अच्छे चलने लगी, क्योंकि साइड पीछे दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब साइड बेहतर चल रही है, आप लोग नए पीसीएस में आवेदन करें और सफल भी होते रूप से हो, क्योंकि आप मेहनत करते हैं और मेहनत आपकी पहचान है, 69,000 भर्ती संघर्ष का
परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद, थैंक यू सभी का, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। बाय बाय।